आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे यंग बाइट्स के टैलेंट के सीरीज में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ हमारी जम्मू की बेटी बडिंग सिंगर है सुहानी शर्मा से। सीधा आपको मुलाकात करवाते हैं। सुहानी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। सुहानी, आपको सुहानी के बारे में बता देते हैं कि ये बडिंग सिंगर है, क्लासिकल सीख रही है और अभी तक इनकी 3 से 4 एल्बम्स जो है प्रोफेशनल आ चुके हैं और लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर ये डेली जो है सॉन्ग अपलोड करती रहती है। अपने सिंगिंग का इनका जिस तरह से शौक है और हमारे जम्मू की है, तो सीधा सुहानी आप मुझे बताओ कि सिंगिंग को लेकर किस तरह से आप आगे बढ़े। अभी क्लासिकल सिंगिंग भी जो है आप सीख रहे हैं, अपने कॉलेज में भी जो है सीखते हैं, प्रोफेशनल तरीके से भी सीख रही हैं, तो किस तरह से आपने सोचा कि सिंगिंग को लेकर ही आगे जाना चाहिए? तो बेसिकली जब मेरे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, उसके बाद से मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा अब मुझे चूज़ करना है लाइफ में कि मैं जाना कहाँ चाहती हूँ। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मेरी मम्मा जो हैं वो हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरी सिंगिंग के लिए, और साथ ही साथ जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे, मेरी जो प्रिंसिपल मैम है पुनीत कौर मैम, उन्होंने भी स्टार्टिंग से मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद जब कॉलेज के हमने ढूंढना शुरू किया कॉलेज को, तो हमें पता चला कि गांधीनगर गर्ल्स कॉलेज में म्यूज़िक क्लासिकली सिखाया जाता है, तो फिर मैंने वहीं पर एडमिशन ली और अब मैं वहाँ से सीख रही हूँ। तो जो आपके सॉन्ग्स आएंगे, क्लासिकल म्यूज़िक के साथ जुड़े हैं या बॉलीवुड म्यूज़िक के साथ जुड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये मेरे सॉन्ग मिक्स हैं, क्लासिकल का टच है, बीच में बॉलीवुड का टच है और लाइट म्यूजिक का भी टच है। तो सबसे पहले हम बाकी बातें बाद में करेंगे, तो जो इनका भी रिसेंट एल्बम आई है राज, तो आखिरकार इस सॉन्ग का क्या कुछ राज है, क्या कुछ इसकी स्टोरी है, तो सबसे पहले हम इस सॉन्ग को ज़रूर सुनना चाहेंगे। सुहानी, ज़रूर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए अपना यह सॉन्ग। देखूं मैं तो जब भी तुझको यूं लगे तू मेरा ही है ना, कुछ कहना सांवरे से तेरे नैना, दिल चुरा के भागे क्या ही कहना, तू लुटिया चैना हो, मांगू रब से तुझको जाना, मेरे दिल की ये रजा है मेरा हो के अब तो रहना, तुझसे अब यही दुआ है तेरे लिए, छोड़ू ये जहाँ कुर्बान करूँ तुझ पे जा, के नहीं रहना बिन तेरे ढोलना, है राज एक दिल का ये खोलना, इश्क मुझे तुझसे हो गया ढोलना बोलना। सुहानी, बहुत ही बढ़िया आपकी आवाज़ है, आप सिंगिंग में सीख रहे हैं और काफ़ी अच्छे आगे तक आप जो हैं जाएंगे। मुझे बताइए कि हमने सुना है कि गाने के साथ साथ आप लिखने के भी शौकीन हैं, तो पहले लिखने के शौकीन रहे थे या गाने के? सबसे पहले तो मैं गाने की शौकीन ही थी, और जो लिखने की जो बात आती है वो मुझे मेरी मम्मा से आती है, क्योंकि मेरी मम्मा को भी शायरी पोइट्री लिखने का काफ़ी शौक रहा है, तो मुझे भी उन्हीं से ये क्वालिटी आई है। तो अपना लिखा हुआ कुछ आपने अभी तक गाया है या अपलोड किया है, क्या कुछ कहें? हाँ जी, मैंने एक जो मेरा पहला सॉन्ग ओरिजिनल जो मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे, काश, वो सॉन्ग भी मैंने खुद लिखा है, और वो 9th क्लास में मैंने सॉन्ग लिखा था। क्या है? एंड मैंने एक भजन लिखा है जय माँ चंडी माँ, जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था, तो वो भी मैंने खुद से ही लिखा है। तो जो आपने लिखा है वो ज़रूर हम सुनना चाहेंगे, जो आपकी पहली एल्बम है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब शुरुआत रहती है तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस भी लाती है और उसके साथ एक्साइटमेंट भी लाती है, लोगों का काफ़ी प्यार भी जो है आपकी इस सॉन्ग को मिला है, तो ज़रूर हमारे व्यूअर्स फिर से सुनना चाहेंगे। काश तूने मेरा दिल देखा होता जब मुझे तेरी ज़रूरत थी, जब दिल को तेरी ही चाहत थी, जब मुझे तेरी ज़रूरत थी, जब दिल को तेरी ही चाहत थी, क्यों तूने मुझको छोड़ा, किया था जो वादा तोड़ा, हो अब क्या करूं तेरे बिन तू ही बतला दे रे, टूटा जो दिल उसको जोड़ के ला दे रे। बहुत खूब सुहानी आपने गाया, तो जिस तरह से आपने गाया कि भजन भी जो है आपने लिखा है, तो उसके क्या कुछ बोल रहे हैं? तो भजन है,
सात सुरों से बनती है एक सरगम की माला, बस तुझ पे ही भरोसा है ओ चंडे ओ ज्वाला। ये भर दे खाली झोलियाँ हम आए बना के टोलियाँ, ये भर दे खाली झोलियाँ हम आए बना के टोलियाँ, हम आए बना के टोलियाँ। जय माँ चंडी माँ, जय माँ चंडी माँ, जय माँ चंडी माँ, जय माँ चंडी माँ। बहुत बढ़िया सुहानी, ये आपने खुद लिखा हुआ है? हाँ जी। तो क्या वो कहते ना कि जब लिखने की बारी आती तो उन शब्दों में डूब के ही हम लिखते हैं, या हमारी जो कल्पना है उसमें हम सोचते हैं, हम उसमें डूब जाते हैं तो जाके शब्द जो है बाहर आते, इतनी आसानी से शब्द बाहर नहीं आते। तो किस तरह से एक वो सराउंडिंग रहती है आपकी? जब भी मैं कोई अगर लव सॉन्ग लिख रही होती हूँ तो उस टाइम मुझे अपने रूम के दरवाजे जो हैं बंद करने हैं, और फिर मैं आंखें बंद करके बस सिनेरियो इमेजिन करती हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हुआ ही हो तभी आप उस पर गाना लिख सकते हो। तो बस आपको वो सीन चाहिए कि जैसे अगर आपको सैड सॉन्ग लिखना है तो अपने दिमाग में अपनी ही लाइफ से लेके कोई सैड मेमोरी के बारे में सोचो तो आप लिख सकते हो। लव सॉन्ग लिखना है, कोई फिल्म की मेमोरी के बारे में सोचो तो लिख लो, कुछ इस टाइप का। काफ़ी डिफ़िकल्ट भी रहता है क्योंकि आसान नहीं रहता कि शब्दों को लिखना और उसको उसकी राइम भी वैसी बननी चाहिए। तो मुझे बताइए कि जो हम आज के समय में सिंगिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कितना ज़्यादा स्कोप है इसमें आपको नज़र आता है? सिंगिंग में ऐसा सब बोलते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है, आगे जाके कोई फ्यूचर नहीं है। मैं उनकी बात पे एग्री नहीं करती क्योंकि अभी मैं क्लासिकल सीख रही हूँ, तो जो सर हमें क्लासिकल सिखा रहे हैं राहुल सर, वो भी तो सिंगिंग के प्रोफेसर हैं। अब सबको सोचना चाहिए कि अगर इस फील्ड में आगे स्कोप ही नहीं होता तो इस फील्ड में आगे प्रोफेसर्स कैसे होते, टीचर्स कैसे होते। बॉलीवुड में इतना स्कोप है, बॉलीवुड नहीं तो आजकल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इतने हैं। आप खुद से एल्बम निकालो, आपके अगर कंटेंट अच्छा होगा तो आप इतनी जल्दी फेमस हो जाओगे जितनी जल्दी ये कॉर्पोरेट जॉब वाले भी नहीं हो पाए। तो सुहानी मुझे बताइए कि आगे आपने अपना फ्यूचर जो है सिंगिंग की तरफ ही सोचा हुआ है, आगे कुछ सोचा है कि इसके अलावा भी करना है? क्योंकि पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं सपना रहता है कि उनके बच्चे जो है वो गवर्नमेंट जॉब करें, सिविल्स में जाएं, या और भी कुछ सपने रहते हैं। तो क्या आपके सपने की सपोर्ट आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात कि आगे मैं इसी में कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो मैं बिल्कुल सिंगिंग की लाइन अपनी पूरी लाइफ नहीं छोड़ना चाहती। उसकी लाइन में चाहे मैं डिवोशनल साइड में जाऊँ, चाहे बॉलीवुड साइड में जाऊँ, चाहे क्लासिकल साइड में जाऊँ, हर जगह कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई दरवाज़ा खुला होता है हमेशा। तो आपको कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए कि आगे स्कोप है या नहीं है, बस आपको चलते जाना चाहिए अपनी ड्रीम्स की तरफ। जी, तो अपनी ड्रीम्स की तरफ आगे चलते जाना चाहिए, ऐसा सुहानी का कहना है। सुहानी, जिस तरह से क्लासिकल आप सीख रहे हैं, तो जल्द जाते हमारे वर्ड्स के लिए कुछ क्लासिकल हो जाए। तो मैं मेरे ढोलना का एक वर्ड सुना देती हूँ। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दे। मेरे किस्सों के साए में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों के खन खन से तेरी सदाएं आती है, ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हमको लाती है। ओ पिया, बहुत बढ़िया उन्होंने गाया, और हमारी बेस्ट विशेज जो है वो सुहानी आपके साथ है, आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं जरूर हासिल करें। अगली बरेली कब पर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स।